आई थिंक नेचर का एक बहुत अच्छा रूल है कि जैसे वो चीज़ बनाता है वैसे वो उन चीज़ों को अलग भी करता है. तो आई थिंक दिस इरोजन इज बीन डन बाय वाटर. और ये डिफ़िकल्ट पार्ट, यहाँ चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, आराम चलना, बहुत गिरना भी मत. हाँ मैं चलना चल चल, जितना सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, पर आई होप वहाँ जाके थोड़ा वर्थ हो. और कंसीडरिंग हमारे शूज़ भी सही नहीं है फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्लेस, हम स्नीकर्स में और स्केचेस पहन रखे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. ट्रैकिंग शूज लेने पड़े, खर्चे तो बहुत आने वाले हैं, राइडिंग जैकेट्स लेनी है, इतना हेलमेट लेना है नया, लॉट ऑफ अदर एक्सपेंसेस. पर अगर आप लोगों का साथ रहा तो विल ट्राई टू गेट दोज थिंग्स. आई नो सेफ्टी इज प्राइमरी थिंग, सेफ्टी रखना चाहिए, बट इट कम्स टू अ कॉस्ट, एंड वो कॉस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा. सबने मास्क लगा लिया क्योंकि हम आ गए थोड़ा क्राउडेड एरिया में. अब ठीक है, लगता है ऊपर तक जाना चाहिए अपन को, वहाँ तक अब आए हैं वहाँ तक तो जाना ही चाहिए अपन को, है ना. वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा क्राउडेड है, बट वील ट्राई जल्दी से जाके जल्दी से वापस आ जाए, ज़्यादा स्टे नहीं करें वहाँ पे. चले चलो, ओके. लोग हैं काफ़ी, ओके, तो वी हैव मेड इट. हाइट इस जगह की वो आपको इस व्यू से समझ आ जाएगा. ओके ओके, यहाँ आने के आई थिंक तीन वेज हैं. द फर्स्ट वन इज़ जो वो विच इज़ बीन कंस्ट्रक्टेड वेल. सेकेंड वे इज़ ये वाला ऑफ रोड वाला वे, ये पुराना रास्ता है बिलीव. एंड द थर्ड वे इज़ जहाँ से हम आए हैं. एंड जब वो होता है ना कि आपको कहीं जाना होता है एंड यू बिलीव इन समथिंग, यू एंड अप देयर, तो वो हुआ हमारे साथ. कुछ सामान वगैरह लाने के लिए होगा ये नीचे जरा डायरेक्टली वो. ओके सो वी आर डन हियर, विल ट्राई वहाँ पे. हम अंदर नहीं गए बिकॉज इट वॉज टू क्राउडी, हमने बाहर से ही दर्शन करे हैं. बट आप देखो क्या हाइट पे है अभी हम. आई डोंट नो, ये जो स्टेज है 700 स्टेप्स है, कितने 700 स्टेज हैं ये जो आपको आना पड़ेगा. बट अभी अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो गए, हम थोड़े व्यू पॉइंट देखेंगे. काफ़ी लोग देखो वहाँ पे है, देखो वो रे वो रे. सो विल ट्राई एंड सिट इन शेड्स, थोड़ी देर बैठेंगे, विल एंजॉय दिस व्यू. व्हाट एन अमेजिंग व्यू इट इज़. काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, काफ़ी लोग हैं. आप देखिए सैटरडे ट्यूजडे इज़ द मोस्ट क्राउडेड डेज इन द वीक. हमने सोचा था संडे को जाएं, बट वी थॉट कि सैटरडे को कम ही लोग होंगे, बट हमने ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसे क्राउड की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी. यू कैन सी बाय द पार्किंग हाउ क्राउडेड इट वुड बी. सो अगर आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे एक पंडित जी हैं जो आई थिंक प्रे कर रहे हैं या जो भी वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जाप करना. बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. सो हे गाइस, इट्स ऑलरेडी 247. काफ़ी मस्ती करी हमने अभी तक, थोड़ा सा ब्रेक भी लिया है क्योंकि सिंस इतना ट्रैक कर गया है, इतने सारी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और सिंस इतनी मेहनत करके ऊपर तक पहुँचे हैं तो थोड़ी थोड़ी रेस्ट भी लिया है. दिस इज़ द व्यू जहाँ पे अभी हम हैं. तो ये हिल टॉप है और वो वाला टेम्पल है, और एक बहुत सारी जगह और बता रहे हैं वैसे लोकल्स यहाँ पे, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लोर दोस. बट थोड़ा आगे जा रहे हैं बिकॉज देर आर पीपल जो लोग यहाँ आ गए. सो वी ट्राइंग टू बी अलोन, वी डोंट वॉन्ट टू बी इन क्राउड. वहाँ चला है. सो दिस इज़ सामोद, जयपुर से 45 किलोमीटर्स अवे. तो काफ़ी अच्छी जगह है ये,
टू डू लिस्ट में थी वो हमने अचीव करी। हमको लगा था स्टार्टिंग ऑफ द डे में कि पोपट हो गया हमारा बिकॉज ऑफ द क्राउड, इतना क्राउड था कि हमको लगा कि नहीं कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, चढ़ने में हालत ख़राब हुई बट मज़ा आया। अगर आप संडेज को प्लान कर सकते हैं अगर आप आना चाहते तो, संडे इज़ अ गुड डे, और वीक डेज में अगर यू हैव एन ऑफ और समथिंग तो यू कैन कम ऑन वीक डेज। मैं ये बोलूँगा कि ट्यूजडे सैटरडेज थोड़ा अवॉइड करें बिकॉज देर आर क्राउड। हाँ, हमारे से ये थोड़ी गलती होगी कि वी चूज सैटरडे एज अ डे टू कम। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी आग लगी हुई है, आई बिलीव, है ना, ऐसा लग रहा है ना। पीपल आर टेकिंग सेल्फीज ओवर देयर बट हम तो वहाँ जा रहे हैं आगे। ओके, मैं थोड़ा व्यू दिखाता हूँ नीचे का इफ इट इज पॉसिबल। वो डैम मैन, बहुत हाइट पे। अगर आपको ऊपर आने के लिए 700 स्टेयर्स चढ़नी पड़ रही है तो इट्स क्वाइट हाई, और हम उससे भी ऊपर है बिकॉज वो टेम्पल थोड़ा सा नीचे। आ जा यार, यहाँ अच्छी फोटो आने वाली है, बहुत बढ़िया। होप ये आप व्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे, एंड इफ यू आर इन्जॉइंग दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबा के घंटी को तोड़ दो, दबा दबा के तोड़ दो। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर योर कमेंट्स में आपके जो थॉट्स हैं वगैरह, प्लीज शेयर इट आउट। एंड सो वी आर गोइंग बैक। हाँ, बहुत इन्जॉय किया हमने। अगर आप इस ये वाला रूट ले रहे हैं तो प्लीज़ ट्रैकिंग शूज़ प्लीज़ वेयर करें, नहीं तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज होने वाली है। हम स्नीकर्स में। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस। हमने सामूद एक्सपीरियंस किया है, आसपास की जगह एक्सपीरियंस की है। आई होप ये व्लॉग उतना ही इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल होगा जितना हमने इन्जॉय किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल राइट देन, टाइम टू से गुड बाय। वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।